Hey everyone, I'm Thakur on this side, and welcome you all to today's new live market execution video. So today's date is 28th of October, Monday, and current time is 11:39 a.m. सो so, आज का मार्केट्स थोड़ा सा अनफेवरेबल रहा है एंड आई हैव बुक द लॉस ऑफ अराउंड से इन टूडेज एग्जीक्यूशन सो रिकॉर्डिंग का टाइम या पूरा ही हम वहां पर नहीं ले पाए एंड हाफ ही क्वानिटीज अगर ऑर्डर बुक देखेंगे तो सिर्फ नाइन हंड्रेड क्वांटिटीज ही एग्जीक्यूट हो पाया एंड मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाने लगा तो लॉस को फिर यहां पर एग्जिट कर लिया गया सो so, और क्वांटिटीज लोड करने का कंफर्मेशन ही नहीं आया जिसकी वजह से फिर नाइन 100 क्वांटिटी से ही मार्केट रिवर्स हुआ तो फिर पोजिशन को आज के दिन एग्जिट करना पड़ा तो ऐसा काफी ज्यादा कम केसेस में होता है कि एंट्री हुआ दूसरा एंट्री लोड करने का टाइम ही नहीं मिला एंड मार्केट या कंफर्मेशन नहीं दिया टाइम तो देखेंगे था बट इसके बाद मार्केट सेल ऑफ हुआ तो वहां पर फिर एग्जिट्स को प्लान किया गया सो टोटल लॉस अगर देखेंगे तो अ लॉस ऑफ से नाइनटी वन थाउजेंड रुपीज जो कि हमारा जो कैलकुलेटेड रिस्क है जो कि रिस्क मैनेजमेंट है उस क्राइटेरिया के अंडर है कि मैक्सिमम लॉस ऑफ वन लाख रुपीज से ज़्यादा किसी भी ट्रेन में लॉस वहां पर नहीं होना चाहिए सो दिस वॉज द टुडेज एक्जीक्यूशन एंट्री टाइमिंग देखेंगे नाइन डॉट नाइनटीन तो ओपनिंग के साथ ही आफ्टर फाइव सिक्स मिनट्स मार्केट में एंट्री एक्सपेक्टेशन था मार्केट फेल करेगा मार्केट जो बाइंग स्विंग बनाया एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग ऑन टू द सेम बिहेवियर तो आज के दिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मिस्टेक भी है ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग में उस मिस्टेक को भी मैं आप सभी को फर्दर वीडियो में ब्रीफ करूंगा so, कहीं ना कहीं मार्केट हर

हो रहा है कि मार्केट ओपन होगा बायर विल ट्राई टू पुश द मार्केट हायर बट फेल हो जाएगा जैसा यहां पर हुआ ट्वेंटी अक्टूबर को देखेंगे सस्टेन नहीं हुआ हमने शॉर्ट साइड का एंट्री लिया

एंड अगेन कंटिन्यूअस सेल ऑफ तो ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर को भी काफी अच्छा प्रॉफिट हमने मार्केट में बुक किया एंड इसके बाद अगर और पीछे भी देखेंगे तो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को भी सिमिलर बिहेवियर है एंड कंटिन्यूस सेलिंग तो कंटिन्यूस काफी डेज से डम्पिंग बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि बाइंग स्विंग के बाद मार्केट सेल ऑफ हो रहा है एटीन ऑफ अक्टूबर को नहीं हुआ है इसके बाद सेवेंटीन ऑफ अक्टूबर देखेंगे तो कंटिन्यूस ओपनिंग के साथ सेलिंग है और पीछे भी आ जाएंगे तो 16 अक्टूबर हो गया 15 अक्टूबर हो गया कंटिन्यूसली सेम बिहेवियर है कि मार्केट हायर लेवल्स पर गया मॉर्निंग में रेजिस्टेंस लगाया एंड अगेन डंपिंग स्टार्ट हो गया एंड अगेन देखेंगे 15th ऑफ अक्टूबर को ओपन हुआ एक दो ग्रीन कैंडल है बाइंग स्विंग बनाने की कोशिश अगें सेल ऑफ तो ये कंटिन्यूस बिहेवियर आप देखेंगे काफी सारे देश से मार्केट में हैवी सेलिंग किया जा रहा है ये जो पूरा जोन है अगर मैं इसका आपको अगर आउटकम बताऊं तो मार्केट जब भी रिकवर किया है मार्केट सेल ऑफ हुआ है मार्केट्स में हैवी सेलिंग किया जा रहा है एंड ओवरऑल देखेंगे तो इट्स अ नेगेटिव न्यूज फॉर दी ओवरऑल अगर देखेंगे इन्वेस्टिंग पर्पस से या लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बहुत या पोजिशनल भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नियर दी सपोर्ट चल रहा है ऑलरेडी यहाँ पर्टिकुलर हाई क्रिएशन के बाद एक बड़ा मेजर शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था एंड शार्प सेल ऑफ के बाद देखेंगे तो सपोर्ट बनने के बाद कोई भी खासा स्ट्रेंथ अभी इंडियन मार्केट्स में नहीं है कंटिन्यूअस ये जोन जो रिकवरी जोन है या साइडवे जोन है क्या आउटकम निकला है कि मार्केट इज बियरिश मार्केट में डंप किया जा रहा है सेलिंग आ रहा है तो मार्केट नियर सपोर्ट दोबारा मार्केट ट्राई टू सस्टेन ये ग्राफ देखेंगे आप कंटीन्यूअसली हायर लेवल सस्टेन करने की कोशिश किया बट रीसेंट डेज में क्या हुआ है अगेन पैनिक सेलिंग एंड नियर दी प्रीवियस वीकली सपोर्ट्स मार्केट अगेन टेस्टिंग किया है तो यही एक नेगेटिव बिहेवियर था कि अगेन सपोर्ट टेस्टिंग हुआ है एंड अगेन मार्केट हाई लेवल्स पर जा रहा है इस बेस पर आज का शॉर्टिंग पोजीशन बनाया गया बट जो मिस्टेक देखेंगे क्या है कि प्रीवियस क्लोजिंग डे पर मार्केट में स्ट्रेंथ था एंड स्ट्रेंथ होने के बाद बैंक निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में आज के दिन मार्केट्स में स्ट्रेंथ था तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करूं तो दिस इज द निफ्टी चार्ट एंड अगर मॉर्निंग का अगर व्यू देखेंगे तो मैं अपना एक मिस्टेक क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो निफ्टी फिफ्टी था इसको हमने थोड़ा सा आज अंडर एस्टिमेट कर दिया है अंडर एस्टिमेट क्यों किया है क्योंकि देखिएगा मार्केट निफ्टी क्या किया मॉर्निंग में गिर गई है निफ्टी में बाइंग नहीं आया अगर निफ्टी में भी बाइंग आ जाता तो रेजिस्टेंस बनता तो बैंक निफ्टी जरूर आज के दिन मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन होता सपोर्ट ब्रेकडाउन तो कर देता ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता लेकिन आज के दिन क्या हुआ है निफ्टी में निफ्टी ऑलरेडी मॉर्निंग में पहले गिर चुका था तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है सपोर्ट बन चुका है प्रीवियस डे पर सेलिंग आया है तो कंटिन्यूस नहीं गिरेगा तो मार्केट गिर रहा है तो सपोर्ट बना करके बाउंस बैक कर सकता है तो अगर निफ्टी भी अगर स्ट्रेंथ दिखाता मॉर्निंग में तो आज के दिन ये हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन था निफ्टी गिर गया इसी वजह से क्या हुआ है बैंक निफ्टी में आज के दिन मोमेंटम नहीं मिला और जो हमारा ट्रेड था वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहा क्योंकि निफ्टी के गिरने से क्या होगा ऑलरेडी पूरा इंडियन मार्केट नीचे गिरा है निफ्टी गिरा है मतलब प्राइस और स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट अ लोअर प्राइस इसके बाद निफ्टी बैंक मॉर्निंग में क्या किया निफ्टी बैंक वॉर सस्टेनिंग द इंट्रा लो निफ्टी में ब्रेक हो गया निफ्टी बैंक वॉर सस्टेनिंग दी लो तो निफ्टी का जो डायरेक्शन देखिए वो एक फेवरेबल होता है निफ्टी अगर आपका साथ देगा सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो फेवरेबल होगा लेकिन निफ्टी में पहले ही करेक्शन आ गया तो अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है मार्केट विल रिकवर गिर रहा है कंटिन्यूस नहीं गिरेगा सपोर्ट लेगा तो सपोर्ट लेगा तो क्या होगा निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगा और निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगा तो बैंक निफ्टी तो मॉर्निंग से पहले ही सपोर्ट सस्टेन कर रहा है तो बैंक निफ्टी शूट अप हो जाएगा तो ये सेंटीमेंट एनालिसिस है जिसके बेस पर एक कहीं ना कहीं पोजीशन में थोड़ा और वेट करना चाहिए था मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन के पहले और कंफर्मेशन एंट्री लेना था अगर चीजें अलाइन ना हो निफ्टी से अलाइन नहीं है तो और बेटर कंफर्मेशन एंट्री के लिए वेट करना चाहिए था बट जैसे मैंने आपको कहा एग्रेसिव एंट्री बना लिया गया था अगर एग्रेसिव एंट्री नहीं होता जैसे हम रेगुलर पहले एग्जीक्यूशन करते थे तो एग्रेसिव एंट्री नहीं होता तो आज के दिन हम एंट्री से बच जाते और प्रॉफिट आज के दिन होने वाला था लेकिन एग्रेसिव एंट्री का बेनिफिट भी है कंटिन्यूस प्रीवियस डेज में हमने बेनिफिट लिया है कि एग्रेसिव एंट्री में एंट्री पहले हो जाता है अगर वो डायरेक्शन सही बैठ जाएगा वी विल बी बुकिंग अ बिग और ह्यूज अमाउंट प्रॉफिट इन द मार्केट्स तो इसलिए एग्रेसिव एंट्री में क्या करते हैं हम जब भी एग्रेसिव लेते हैं तो बड़ा टारगेट ज्यादा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो ये पूरा रीजन मैंने आपको ब्रीफ किया नाइन का ही पहला स्लॉट का एंट्री हो गया था तो क्या फर्दर एनालिसिस करेंगे क्या कंफर्मेशंस आएगा राइट ओवरऑल ओवरव्यू पर हमने एग्जीक्यूट किया सो so, कहीं वेट करते तो के बाद इट वुड प्रॉफिट इन टू द मार्केट बट प्रॉफिट कितना होता कंफर्मेशन के बाद होता तो कम ही होता सो दिस वाज ब्रीफ अबाउट द टुडेज एग्जीक्यूशन पूरा साइकोलॉजी से लेकर के एग्जीक्यूशन पॉइंट्स मैंने आप सभी को समझाने का कोशिश किया एंड अनादर थिंग इज कि आई वाज लुकिंग टुडे एट पीएनएल हियर तो एक जो जनरल देखिए क्वेश्चन होता है कि आज अ ट्रेडर हम चार्जेस को लेकर के एस टी बढ़ गया टैक्सेशन बढ़ गया टर्नओवर चार्जेस इंक्रीज हो गया डबल कर दिया गया तो ये सारी चीजें देखिए एज अ ट्रेडर किसको ये अफेक्ट करती है अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी अगर आप वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये चीज़ आपको लिए प्रॉब्लमेटिक होगी चार्जेस बढ़ रहा है अदरवाइज़ अगर जो मेरा पैटर्न ऑफ एग्जीक्यूशन है कि आज अगर आप देखोगे कि कितना ट्रेड एग्जीक्यूटेड है एक ही सिंगल ट्रेड है अब इसका अलग अलग लैग जरूर हो सकता है टर्नओवर लेकिन अमाउंट क्या हो रहा है क्वांटिटीज क्या हो रही है सिमिलर हो रही है एक ही बार ओवरऑल एक ही ट्रेड का एंट्री है एक ही ट्रेड का एग्जिट है तो अगर किसी दिन ब्रेक इवन है तो वहां पर हम एक और ट्रेड प्लेस करते हैं अदरवाइज एवरी डे सिर्फ एक सिंगल ट्रेड होता है तो एक सिंगल ट्रेड में आप देखोगे अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो तो आपको चार्जेस बिल्कुल भी इम्पेक्ट नहीं करेंगे जैसे पी अगर यहाँ कंसोल देखेंगे तो वाई आई एम शोइंग दिस पी here

मैं पोजिशनल ट्रेडिंग भी करता हूँ इन इक्विटी स्टॉक्स लेकिन ऑप्शन बाइंग का देखेंगे तो ये बिगेस्ट ट्रीक का प्रॉफिट है तो यहां पर देखेंगे जस्ट इन फाइव डेज एक यहाँ पर छोटा सा क्लरिफिकेशन है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर को देखेंगे तो लॉस ऑफ वन लैक नाइनटी सेवन दिखाएगा

कि आपके जो अदर अकाउंट्स का जो है वो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को मिक्स करें इवन मेरा इन्वेस्टिंग अकाउंट अलग है मेरा ऑप्शन सेलिंग अकाउंट अलग है एंड ऑप्शन बाइंग का अकाउंट अलग है तो फंड्स का शॉर्टेज था तो ऐड करने की जगह फिर मैंने इसी पर्टिकुलर अकाउंट में इंट्रा का हैज प्लेस करना था तो यहीं पर प्लेस किया जिसमें लॉस हुआ है जिस वजह से यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है अदरवाइज कंटिन्यूअस देखेंगे तो फाइव डेज का टारगेट स्ट्रीक है एंड दिस प्रोफिट विल बी अराउंड से ट्वेंटी थ्री लैख रुपीज देंट टू लैख का लॉस माइनस करेंगे एंड वन लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अगर ऑल ओवर एड ऑन करेंगे तो इट्स ओवरऑल ट्वेंटी थ्री लाख रुपीज इन फाइव डेज तो लास्ट सेशन में बुकड अराउंड से एट लाख रुपीज इसके पहले यहाँ पर वन लैख रुपीज इसके पहले ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर जैसे मैंने मैं आई वॉज नॉट अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन तो यहां पर नो ट्रेड है इसके बाद देखेंगे ट्वेंटी सेकेंड नोफ अक्टूबर तो सेवन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड रुपीज का यहां टारगेट था इसके पहले फोर लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड रुपीज एंड यहाँ पर टू लैक फोर्टीन थाउजेंड इसके बाद ये ब्रेक इवन डे था इसके पहले भी देखेंगे तो वीव बुक टारगेट इन टू दट कंटिन्यूस कहाँ से काउंट होगा ब्रेक इवन के बाद नॉमिनल तो तो कोई आज से ज्यादा प्रॉफिट नहीं ना ही लॉस अराउंड से सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज तो ब्रेक इवन डे के बाद देखेंगे तो कंटिन्यूअस फाइव डेज का ये टारगेट स्ट्रीक है सो so, चार्जेस देखेगा जो एक बिगिनर ट्रेडर होता है या जो स्टार्ट कर रहे हैं या जो अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो चार्जेज एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप करोगे कि अगर अगर आप करोगे से मैं ऑर्डर्स डे प्लेस करता तो यही हमारा क्या बिगनिंग तो तो में देखिए स्कैल्पर के लिए ये काफी प्रॉब्लमेटिक होता है चार्जेस को हैंडल करना अदरवाइज अगर देखिए आप मेरे जैसा एग्जीक्यूशन करते हैं तो आपके लिए चार्जेस बिल्कुल भी Problematic नहीं है तो दिसाउट uh, की है है। हमारा तो तो ये streak में या five days में कभी भी इतना amount book नहीं किया गया। तो this is the highest. And continuous streak है, इसलिए थ्री लैक्स इज दाइएस्ट सो बैक ऑन टू द तो आज का ओवरव्यू अपडेट भी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया गया नाइन डॉट फोर्टी टू एम पर तो कंफर्मेशन आने का वेट किया गया एग्रेसिव बेस का एंट्री था मार्केट रिजेक्ट किया मार्केट सेल ऑफ हुआ कंफर्मेशन आया तब जाकर के शेयर किया कि सपोर्ट ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड टुडे सो मार्केट बाइंग स्विंग बनाया रेजिस्टेंस लगाया नीचे आया तो कंफर्मेशन पर शेयर किया गया कि सपोर्ट ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड टुडे इसके बाद आई वाज वेटिंग फॉर अ सेल ऑफ कि मार्केट अभी 50 परसेंट पर है थोड़ा और सेल ऑफ होगा तो यहां पर मैं फुल क्वांटिटीज को लोड कर दूंगा बट मार्केट नीचे आया ही नहीं मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया एंड आई वाज वेटिंग वेटिंग कि मार्केट रिजेक्ट करेगा और अच्छी बात है बेटर प्राइस टू शॉर्ट मिलेगा बट मार्केट आज के दिन रिजेक्ट ही नहीं किया तो मेंशन किया गया कि एसएल हिट टुडे सो यहां देखेंगे आई वाज वेटिंग कि मार्केट रिजेक्ट करे मार्केट नीचे आया सपोर्ट लगाया बाउंस बैक ही कर गया एंड दोबारा आया ही नहीं तो बाउंस बैक पर एक बेटर एंट्री प्राइस मिलता है लेकिन मार्केट आया ही नहीं कंटिन्यूस चला गया तो फिर लॉसेस को आज के इस पर्टिकुलर ट्रेड में बुक किया गया अगर मार्केट यहाँ रिजेक्ट करता लोअर हाई बनाता अगेन नीचे गिरता तो फुल लोड कर दिया जाता तो पूरी क्वांटिटीज में भी जो अनादर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर पूरा क्वांटिटीज भी लोडेड होता तो भी हम वन लाख रुपीज के अंडर ही लॉस बुक करने वाले थे मार्केट रिवर्स हो गया तो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट सेम है तो रिस्क मैनेजमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है एक लाख रुपए का अगर रूल है तो रूल है अगर मार्केट अमाउंट आएगा तो वी विल जस्ट एक्सिट दी ट्रेड इसके बाद कोई भी फर्दर एनालिसिस मार्केट में नहीं किया जाता है सो दिस वॉज दुडेज एक्सिक्यूशन वीडियो एंड रेगुलर लाइव मार्केट ओवरव्यू अपडेट्स के लिए आज के दिन तो स्टॉपलॉस हुआ है कंटिन्यूस फाइव डेज से प्रीवियस ट्रीक रहा है तो हमारा टारगेट्स आया है ओवरव्यू भी सही हुआ है तो नेक्स्ट सेशन में अभी अब जो भी मार्केट ओवरव्यू क्रिएट करेगा जो भी पॉसिबिलिटी बनाएगा उसको लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाएगा सो so, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड अनादर थिंग इज कि करेंटली जैसे कि बिगेस्ट फेस्टिवल दीपावली आने वाली है तो लार्जेस्ट डिस्काउंट ऑफ द ईयर अभी चल रहा है कूपन कोड विच इज दिवाली थर्टी सो डी आई डब्ल्यू एल आई दिवाली थर्टी कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं टू अवेल थर्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इसी पर्टिकुलर ओकेजन एंड दिवाली की खुशी में आप सभी के लिए फिफ्टी टू आवर्स सेशन में टेलीग्राम चैनल का एक्सेस लाइफ टाइम कर दिया गया है तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है जब तक दिवाली का कूपन कोड रहेगा तब तक के लिए सिर्फ अगर आप 52 टू आवर कोर्स लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को ही मिलेंगी इट्स दी बेस्ट कोर्स इसलिए इसके साथ लाइफ टाइम टेलीग्राम एक्सेस दिया जा रहा है तो 52 टू आवर में आपको ये सारी चीज़ें सीखने को भी काफ़ी इन डेप्थ में सीखने को मिलेंगी एंड साथ ही साथ टेलीग्राम एक्सेस का आपको लाइफ टाइम एक्सेस वहां पर दिया जाएगा अदर जो सेशन्स हैं लाइव सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है इलेवेंथ ऑफ नवम्बर से तो इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं सिक्स डेज लाइव सेशन में जिसमें आपको सिक्स मंथ का टेलीग्राम एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तो लाइव सेशन है जो भी लेटेस्ट चीजें कवर किया जाएगा so, का लिंक वीडियो में दिया गया है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं दिवाली कूपन कोड को यूज करना ना भूलें एंड जाते जाते जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके सो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट बाई टू ऑल एंड सी